बिल्कुल धोखे से हमारा घर छीन लिया, अपने हमारे घर को अपना घर बना के हम लोगों का ही गृह प्रवेश किया जा रहा है। तो बस जहाँ तक कि उसकी शर्त रखी है उसमें उसको शादी करने की, खैर मैंने वो मानी नहीं है, सिर्फ परिवार वालों के लिए मुझे करना पड़ रहा है और कुछ नहीं कर सकता अभी, तो और कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ चुपचाप सह सकता हूँ बस बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ कोई ना कोई मौका मुझे ऐसा मिले ताकि मैं इसको फिर से बता सकूँ कि तूने कितनी बड़ी गलती की है, किससे पंगा लिया। तो मैं बहुत सारे ऐसे मौके ढूंढ के चाल चलता हूँ अपनी, लेकिन वो चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ती है। और वानी जो है तब की वानी वो थोड़ी ज़्यादा ही स्मार्ट है, जो वो मेरी चाल मुझ पर वापस मारती है, तो फिर चुप हो जाता हूँ, फिर गुस्सा करके बाहर आ जाता हूँ। थपकी का तो खैर सवाल नहीं उठता, अब तो मान नहीं सकता मैं थपकी, क्योंकि अगर थपकी होने के बाद भी ऐसी है तो फिर मैं इसको कभी एज ए थपकी, पुरानी थपकी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये कुछ और ही है। अब ये शक्ल शायद थपकी की है लेकिन अंदर से कुछ और है। और अब घर में वापसी हो गई है तो क्या नए नए ड्रामे होंगे अब घर में? नए नए ड्रामे ये हैं कि अभी तो हमारा घर ही, अब जो मेम्बर्स हैं सारे वो इस घर को अपना नहीं मान सकते, बार बार हर मौके पर टॉन्ट मारा जा रहा है कि अब इस घर में आए हो, जैसे राम जी अयोध्या से वापस आए थे वैसे आप लोग जेल से वापस आए हो, तो ऐसे बहुत सारे टॉन्ट मारे जा रहे हैं, सबको गिफ्ट दे रही है कि और बोल रही है कि अगर आप लोगों का सपना तो कुछ बचा नहीं है तो आप लोगों को जरूर इन चीज़ों की जरूरत होगी, तो आपके लिए गिफ्ट है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रताड़ना हो रही मेरे परिवार में। बिहार के दिमाग फिलहाल फिलहाल तो यही है कि मैं इसकी बड़ी इच्छा है ना शादी 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 करने की, तो इस बात का सीन किया है हमने जहाँ मैं उससे बोलता हूँ कि शादी करने वाली और होने वाले पति हैं। चलो फिर टेंशन की बात की, मानते हैं हम मान लेंगे कि हम शादी करने वाले, तो चलो तो मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ जहाँ वो मुझे धक्का देती है, पुश करती है और बोलती है कि नहीं अपने औकात में रहो और आना है लो कर लो। तो वो बड़ा अजीब सा हो जाता है बयान के लिए कि मैंने क्या हो गया भाई, मेरा कोई ऐसी लिटरली मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा, मैं तो चाहता था कि बस वो एक बार उसको डरा सकूँ, खौफ बना सकूँ उसके मन में, उसने तो मुझे खौफ दे दिया, उसने मुझे डरा दिया, मान लो आप करीब आना ना, आओ आओ बिल्कुल आओ। तो वहाँ बयान दिखने में गुंडा लेकिन शरीफ अंदर से, तो चुप हो गया वापस आ गया। थैंक यू।